अभी एक साल पहले कोई एक आदमी सराई लेकर उतार कर लेकर झंडी थी वो उतार कर लेकर वो तीन चार पौड़ियाँ न्यू छोड़कर चला गया। वो काफी तलाश की उसकी समझ कोई लगी जो उनको पता जेल के अंडर। ये देखें ये वाली जो है ना इंडिया की लाइटें ऑन हो गई हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। आज दिन काफ़ी अच्छा था, सोचा आप लोगों को एक स्पेशल जगह के ऊपर लेके जाते हैं। आज हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर के पास, एक गांव है सुखोचक, वहाँ पे लेकर आप लोगों को जाएंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोगों को बताएँ कि सुखोचक आज हम लोग जा रहे हैं, सुखोचक तहसील शकरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट नारवाल का आज हिस्सा है। और आज से 120 साल पहले सुखोचक क्या था और वहाँ पर जो है टेंपल हिंदुओं के मौजूद हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आप लोगों को वो टेंपल भी बताएंगे और सुखोचक की हिस्ट्री बताएंगे और सुखोचक में क्या क्या मौजूद था आज से 120 साल और 150 साल पहले, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो निकले फिर। उमर भी अपने चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा है तो मैंने कहा शूट कर लो, तो क्या तक कर लिया, वैसे इसने की नहीं है, बोलता ही नहीं है वीडियो के अंदर, कह कह के इसे बुलवाना पड़ता है। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना उसके ये पास गांव पड़ता है, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, अच्छा इलाका है सुखोचक। वैसे आज तो तहसील शकरगढ़ का हिस्सा है लेकिन तकसीम से पहले जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर और तहसील अम्बाला का हिस्सा हुआ करता था। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें वैसे कंफर्म नहीं था कि सुखोचक यहाँ से कितना दूर है, लेकिन ये देखें सुखोचक 15 किलोमीटर दूर है, उर्दू में लिखा हुआ है। तो शकरगढ़ से अगर आप लोग आते हैं तो उस साइड से सामने मोड़ सामने आएगा, फर्स्ट मोड़ जो है नाला बेई पुल से, तो आगे सुखोचक तकरीबन यहाँ से अभी 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तो फिर मिलते हैं सुखोचक जाके आप लोगों से। इस वक्त हम लोग जो है ना सिटी शकरगढ़ से तकरीबन 8-9 गांव जो है ना गुजर के आगे आ गए हैं और इस वक्त हम लोग शमाल में मौजूद हैं। यहाँ पर भी एक ये टेंपल मौजूद है ये वाला, और इससे पीछे वो वाला भी है। तकरीबन मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 माह पहले भी आया था और यहाँ पे जो ड्रोन शॉट थे वो मैंने पहले के लिए हुए हैं, वो आज के नहीं हैं। वैसे ये वाला जो टेम्पल है ना ये स्कूल के अंदर है, ये गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल है शमाल का, ये चौंक के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं कौन आया हुआ यहाँ पे। इस साइड पे भी दो टेंपल बने हुए हैं, एक घर के अंदर है और दूसरा पहले घर के अंदर नहीं था लेकिन वो भी अब घर के अंदर है, उसके साइड पे जो है ना भाग लगाया हुआ। तो ये हमारे पीछे जो है ना ये वाला टेंपल है और इसके अलावा ये एक, ये भी घर पे है, और ये वाला टेंपल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और जो बड़े टेंपल हैं टेंपल राजगढ़ वो सुखोचक के अंदर मौजूद है। वैसे इस जगह को मैं सुखोचक समझा करता था लेकिन ये सुखोचक नहीं है, ये शमाल है। यहाँ से तकरीबन 4-5 गांव छोड़ के आगे वो सुखोचक है।
वहाँ पे जाके उस टेंपल के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि वो कितना पुराना टेंपल और कितना बड़ा टेंपल हुआ करता था, और सुखोचा के अंदर काफ़ी बड़े बड़े महल भी हुआ करते थे। ये वाला टेंपल और जो दूसरी साइड वाला टेंपल है, इन दोनों टेंपल के ऊपर जो है ना मुगलिया दौर की ईंटें लगी हुई हैं। मतलब कि ये भी तकरीबन देखा जाए तो 150-200 साल के लगभग पुराना होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बाज़ार लगता है, इस साइड को भी और इस साइड को भी। वैसे अब हम छमाल से जो है ना निकलने लगे हैं बाहर, अब चलते हैं हम लोग सुखोचक वाली साइड पे। मंदिर वो पीछे थे हमारे काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त हम लोग एक गांव है संग्राव, वहाँ से गुजर रहे थे, तो यहाँ पर भी एक टेंपल है। वो टेंपल जो है ना ये वाला, ये टेंपल जो है ना घर के अंदर है, तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, लेकिन सुखोचक में जो टेंपल है वो आप लोगों को बता सकते हैं। वहाँ पर कोई भी घर मौजूद नहीं है टेंपल के पास। इस वक्त जो है ना हम लोग सुखोचक जो है ना पहुंच चुके हैं, और ये आप लोग चेक कर सकते हैं, सुखोचक ज़ीरो। ये सुखोचक की जो है ना एंट्रेंस है, यहाँ से जो है ना पास ही पहाड़ लगते हैं। उमर क्या ख्याल है? दिखने में तो पास ही लगते हैं, लेकिन है वो इंडिया की दूसरी तरफ। उमर को मैंने कहा था कि ये बोलना, इसने सीधा सीधा यही बोला। इस वक्त जो है ना हमें एक अंकल मिले हैं, वो इन टेंपल के बारे में जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, किन्ने साल पुराना है? पता नहीं, सदियां 4-5 साल का पुराना घर तो सड़ी। 4-5 साल पुराना? 4-500 साल का। 4-500 साल पुराना। इतने एक मकान सीधा इसी उन्हें कहते हैं बैदा का घर है, वह एक सौ एक दरवाज़ा है, यानी कि वह इस तरीके का बने रहा है। अगर बरात आती रही वो अंदर दाखिल होती रही, जब तक 101 दरवाजा ना लगता उद तक बरात आती रहती रही है। वो मकान यानी कि जो तोड़िया ना 1965 के पहले, वह मकान तो गवर्नमेंट हाई स्कूल शगड़ बनया, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुखोचक बने, तो इट फिर नहीं मुखी। कि बड़ा मकान है कितने भला? चार चार पूरी बाउंड्री बाल बनी होती है, चार दुआरी होती है। कोई नहीं लोग ला के भाजपा ना नहीं कहना सामने, यह महकमा सारा कदीमा का महकमा का अपजेंडर है, ना कोई कम नहीं किया जनाब। अच्छा। ना देखभाल की थी, ना खूबसूरती असासा ही जी सामने। हाँ, हिंदुओं का काफ़ी ज़्यादा इतने सुखोचक के असासा है। इन्नी कि नहीं इतने इन्नी 5,000 की आबादी हिंदुओं की, 5,000 की मुसलमान की, इन्नी आबादी एको जी सी। इन्नी कि हिंदू इन्नी कि कारोबार लोग करते, मुसलमान भी खैर तगड़े से, हर मंदिर सामने मस्जिद बनी जी। बहुत इतने मुसलमान भी होंगे रही मस्जिद, शहीद करके बनाई जा रही है। ये सामने खूबसूरत मस्जिद यहाँ पे, बहुत मस्जिद है, काफी नमाज पढ़ते लोग। अच्छा, बहुत पुरानी मस्जिद है ये, शहीद मोहम्मद गौस शाह साहब की मस्जिद है जी, इनका मजार कब्रिस्तान में है। ये जो है ना सामने, ये अंकल बता रहे हैं गोल्ड हुआ करता था ये सोना है, सोने का बना हुआ, सोने का बना वो ऊपर जो सराही वगैरह लगी हुई ना गागरे, वो हाँ। सोने की हैं। अच्छा, कोई तकरीबन एक साल पहले कोई एक आदमी सराही लेकर उतार कर लेगा, झंडी थी वो उतार कर लेगा, वो 3-4 पौड़ियाँ न्यू छोड़कर चला गया, वो काफ़ी तलाश की उसकी समझ को नहीं लगी, जो उनको पता को जिन के अंडर है।
तो ऊपर फायरिंग भी हुई हुई है। वो तो भी जो पाकिस्तान बना था लोग ही हमारे लोग फायर करते, इसको निकालने के लिए फायर करते थे, बहुत ये निकलते नहीं थे ना, ऐसे जकड़े हुआ था देखा, काफ़ी सुराख वगैरह हुए गौर से देखा। हाँ ऊपर जो है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुराख हुए हुए हैं ये इस जगह के ऊपर, फायर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। यह सोना जनाब बहुत कीमती है, इन्हू सामभो इन सारी कदीमा अंडर लवो, इसकी हिफाजत करो, बड़ी असासा जनाब, ये पक सुको जगह का एक असासा है जनाब, इन्हू सामना चाहिए, तजीब है सुको जगह जो भी बनया, यदि बड़ी खूबसूरती है, मंदिर ने मस्जिदा ने रला मेला माहौल होंगे रहा, बेहतरीन माहौल से जनाब। तो हूँ पाकिस्तान बन गया तो हिंदू लोग इतों निजत कर चले गए, इतने साढ़े सैल दस दिन मंदिर कोई चौक च मंदिर होंगे रहा, यानी पाकिस्तान बनते पहले यानी कि मंदिर उच्चा सी मस्जिद नीवी सी, तो अल्लाह का एक काम वाली आया यानी कि मुकम्मल शहर बाद से, तो उन्हें कहा यार मंदिर ऊंचा तो मस्जिद मस्जिद छोटी, ऐसी बात की वो चला गया मंदिर आस पास नीचे से जमीन बोस हो गई, उसके सारे अभी भी अजीब बाकी है। खत्म आपको यहाँ पे भी मंदिर हुआ करता था, ये देखें चाचा कितना पुराना है, ब्रेक मार भी बड़ा पुराना मंदिर है, काफी पुराना 4-5 साल का मंदिर है। इस वक्त हम लोग दूसरे टेंपल के पास पहुंच गए हैं, इस टेंपल का नाम टेंपल राजघाट है, ये तकरीबन तकसीम के बाद यानी कि ये टेंपल 120 साल पुराना है, और इसके अंदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना मूर्ति भी बनी हुई हैं, इसके ऊपर भी जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके अलावा ये मंदिर जो है ना ये काफ़ी बड़ा मंदिर था, ये इस साइड से ले के और दूसरी साइड एंड तक जो है ना ये मंदिर था, ये मंदिर सुखोचा के अंदर है, और ये मंदिर जो है ना सुखोचा का सबसे बड़ा मंदिर था। सुखोचा की हिस्ट्री वैसे मैंने भी पढ़ी हुई है, और बाबा जी भी जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है ना एक महल हुआ करता था बहुत बड़ा, जिसके तकरीबन 300 दरवाजे थे, और यहाँ पर एक दफ़ा बारात आई थी तो लोगों को ढूंढना मुश्किल हो गया था, एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे, मतलब इतना बड़ा शहर हुआ करता था सुखोचा। सुखोचक आज शकरगढ़ की आबादी तकरीबन 8.5 लाख है, लेकिन सुखोचक जब तकसीम से पहले सुखोचक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, ये सुखोचक शकरगढ़ से 3 गुना बड़ा हुआ करता था। सुखोचक का जो है ना सुखोचक सुखा सिंह के नाम से रखा गया, ये शहर जो है ना बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, टेम्पल यहाँ से लेके और काफ़ी आगे तक हुआ करता था। इसके पीछे जो है ना इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल बन गया हुआ सुखोचक का, और इसके आसपास जो है ना घर ही घर हैं, ये इस साइड पे भी मंदिर ही है, ये सामने ये मेरे पीछे भी मंदिर, और ये सारी जगह जो है ना मंदिर की है। और अगर देखा जाए तो सुखोचक इंडिया का वो मतलब शहर हुआ करता था, जहाँ पर मंडी लगा करती थी और बड़े बड़े बाज़ार थे, और यहाँ पर मतलब बहुत कुछ हुआ करता था, बहुत बड़ा शहर हुआ करता था। ये जो टेंपल है ना टेंपल से तकरीबन यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है ना तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ से आगे जम्मू की जो है ना पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं, और ऐसे लगता है कि मतलब यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दूर हैं इस सुखोचक से। ये पाकिस्तान के हिस्से में आ गया था 70 साल हो गया पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान के बने तकरीबन 300 साल मंदिर पुराना, क्योंकि सारी कदीमा दसते ना बहुत ओल्ड मंदिर है ये, ये इन्नी कि नक्शा नुकार देकर बंदा ऐसा महसूस करता पता नहीं किन्नी सदी का बने का मंदिर जी है। और ये लागे स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल है, बहुत ये भी बहुत पुराना है, कस्बा सुखोचक बहुत पुराना कस्बा है, और गुंजाण आबादी के लागे मंदिर है जी,
ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦਾ ਜੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮੁਗਲੀਆ ਦੌਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਹੱਥ ਦੀ ਪੱਥੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਲਗਾਰੇ ਨੇ ਹਿਸਤਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਸ਼ਬਾਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੁੱਕ ਤੱਕ ਦੀ, 5,000 ਵੀ 5,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਸੇ ਛੋੜ ਕਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਵੋ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਪਲ ਕਾ ਨਾਮ ਟੈਂਪਲ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪੇ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੰਥ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਵੋ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ। ਔਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤਕਸੀਮ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਯਾ ਵੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੂਓ ਕੇ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਮੇ ਹੁਆ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਵੈਸੇ ਹਮਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤੀ ਵਰਸੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਜੈਂ ਵੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਵੋ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਨ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਵੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪਰ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਯਾਂ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖੁਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਉਨ ਲੋਕੋ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅੱਛੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਏ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਲੋਕ ਸੁੱਖੋ ਚੱਕ ਕੇ ਵੋ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵੱਟੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਪੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਵੋ ਲਾਈਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਦੇਖੇ ਯਹਾਂ। ਹਾਂ ਯੇ ਲਾਸਟ ਹੈਗੋ, ਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕੋ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਂ, ਆਪਣੇ ਸਭੀ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ।
और उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग सुकोचा रहा करते थे, या उन लोगों के साथ जो लोग इस जगह को देखना चाहते थे, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन आप लोगों ने ज़रूर दबाना, उसका फ़ायदा ये होता है फ्यूचर में हम कोई वीडियो डालेंगे वो आपको जो है ना सबसे पहले मिल जाएगी। और अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें, ये वाली जो है ना इंडिया की लाइटें ऑन हो गई हैं।